नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बासफोर, प्रेसिडेंट ऑफ सफाई कर्मी अनुसूचित जाति स्टूडेंट यूनियन। मैं कहीं जा रहा था तो जाते वक्त मैं और मेरे साथ सागर था, तो मैं सोचा कि रुक कर एक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। तो हम इस जहाँ पर जा रहे थे, हम इस बीच जंगल पर रुक गए सिर्फ एक बात बताने के लिए, और वो इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों। और इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि मैं आजकल फेसबुक में देख रहा हूँ कि म्यूनसिपैलिटी का यानी पौरसभा का जो चुनाव इलेक्शन है वो आ चुका है असम और बंगाल में। तो ये चीज़ देखते हुए मुझे काफ़ी दुख लग रहा है कि हमारे जाति के यानी हमारे सफाईकर्मी जाति के जो संगठन है, कमेटियाँ है, चाहे वो असम के हो या बंगाल के, वो पार्टीगिरी कर रहे हैं, जिसके वजह से ये हो रहा है कि देखिए इनके इतने साल से ये जो पार्टीगिरी कर रहे, इससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, अगर आप किसी भी पार्टी में, अगर असम में आप बीजेपी में हैं हमारे सफाईकर्मी के, और असम में अगर आप बीजेपी में हैं, और बंगाल में अगर आप टीएमसी में पार्टी में हैं, तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप जो भी नेता ये पौरसभा का चुनाव लड़ रहा है, उससे आप रिटर्न में आप हमारी डिमांड जो है सफाई कर्मियों की जो सैलरी है वो बढ़ाने में आप मदद करें। लेकिन होता है उल्टा ये हो रहा है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग अपने बंगाल में जितने सारे संगठन हैं और जो असम में कुछ संगठन हैं, वो पार्टीगिरी कर रहे हैं, और वो कैंडिडेट के पीछे यानी जो लड़ रहा है, जैसे कि जिसको चेयरमैन बनना है, उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। इससे हमारा नुकसान हो रहा है दोस्तों। मैं बंगाल में काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ पे कोई चेयरमैन बनने वाला तो क्रिकेट टूर्नामेंट में जा रहा है, तो कोई मतलब घर घर जाके पहुँच रहा है। लेकिन उससे क्या, मैं एक रास्ता आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। 1.5 साल से मैं लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। मैं अपना ये जो पूरा जो हमारा उम्र है, ये जो जवान है, जिस उम्र में हमारे उम्र के लड़के टिकटॉक बनाते हैं, स्टाइल मारते हैं, घूमते हैं, उस उम्र में मैं अपना नौकरी से लेके सब कुछ छोड़ छाड़ के एक आंदोलन कर रहा हूँ। तो इस आंदोलन को ऐसे लोग जो पार्टीगिरी कर रहे हैं, वो हमारे आंदोलन को कमज़ोर बना रहे हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि पौरसभा चुनाव तो आ गया है, असम में है, बंगाल में भी है, तो अब करना क्या है दोस्तों। तो हमारा पौरसभा के जो लोग हैं, सफाईकर्मी हैं, या जिस जहाँ भी हमारे जाति के लोग हैं, वो जो भी लड़ रहा है, जो हमसे वोट मांगने आ रहा है, पहले आप उसको बोलिए कि वो लिख के दे, रिटर्न में दे, कि जब वो जीत जाएगा तो हमारे डिमांड, जैसे हमारा सैलरी परमानेंट कराना, कॉलोनी नाम पे देना, वो करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो नेता लिख के नहीं देता है आपको, तो उसको वोट नहीं देना है। देखिए, आप लोगों को स्मार्ट बनने का ज़रूरत है। हमारा जाति हमेशा 75 साल से वोट पे वोट देते जा रहा है, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसीलिए ये जो बंगाल में, बंगाल का ज़्यादा बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म बंगाल का है और कुछ बिहार का है, तो मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि चेयरमैन आते हैं, जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। और असम में भी वही हाल है। तो असम में तो हमने काफ़ी लड़ के हमने बहुत सारा काम किया है। अभी देखिए, इस स्क्रीन में हमने वो मेमोरेंडम भी दिखा रहे जो हमने अगस्त महीना में ही हमने मिनिस्टर और सीएम को भी दिया था, जिसके बाद काफ़ी काम हुआ। जैसे अब वहाँ पे एक गुवाहाटी में एक भवन भी बनेगा, सफाई कर्मियों के लिए एक भवन भी बनेगा, बहुत सारा चीज़ हो रहा है। अभी हाल में बुआयों के बाद अभी होजाई में भी हमने म्यूनसिपैलिटी का वेतन बढ़ाया है दोस्तों। तो असम में तो बढ़िया चल रहा है, और भी बहुत कुछ होगा। जब तक सारा डिमांड पूरा नहीं होगा, मैं कोई भी पार्टी असम में ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। लेकिन असम और बंगाल में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो पार्टी के पीछे भाग रहे, पार्टीगिरी कर रहे, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना है, तो पहले उस कैंडिडेट से आप रिटर्न में लिखवा ले कि वो जीतने के बाद हमारा डिमांड मानेगा कि नहीं मानेगा। अगर वो हमारा डिमांड नहीं लिख के नहीं देता है, तो उसको वोट भी नहीं देना है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि वोट आ गया है दोस्तों, तो अभी पार्टी के पीछे मत भागिए, पार्टी आपके पीछे भागेगा। तो आप पहले लिखवा के, उसे हाथ में लिखवा ले कि वो हमारा जाति का डिमांड अगर पूरा करेगा तो उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो। अगर वो लिख के नहीं देता है, तो उसको वोट नहीं देना है। यही बात है। और बंगाल में मैं मार्च महीने से आने वाला हूँ, क्योंकि बंगाल मेरा जन्म स्थान है, तो वहाँ आना ही है। और साथ में हमने असम में काफ़ी काम किया है, और भी बहुत सारा काम छूट गया जिसको हम करने वाले। पार्टी में रहिए, लेकिन पार्टी हमें क्या दे रहा है, वो रिटर्न हमको चाहिए, उसके बाद ही हम सपोर्ट करेंगे। ये बात आप हर जगह फैलाइए कि पहले हमारे लिए काम करे वो लीडर, उसके बाद उसको वोट देना है। वरना अगर ऐसा नहीं होगा, तो हमारा जो मतलब जैसे कि ये माहौल देख रहे, जंगल का माहौल, उसी तरह हमारा समाज हमेशा इसी तरह जंगल में, इतना जंगल में भी आके आप लोगों के लिए बात बना रहा हूं। आप देखिए जंगल कितना है, कितना घना जंगल है। और इस समय भी मैं सागर के साथ इस जगह पर आप लोगों को ये संदेश देने के लिए आया हूँ। और मैं देखिए, मैं भी अब परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं अकेले लड़ रहा हूँ, हमारा संगठन लड़ रहा है, लेकिन बाकी लोग सब पार्टीगिरी कर रहे हैं और आंदोलन कोई नहीं कर रहा है। कोई भी पार्टी सरकार के खिलाफ बोलने में डर रहा है, लेकिन हम तो 1.5 साल से बोल रहे हैं। तो देखिए, हमारा भी एक लिमिट है, हमारा भी धैर्य है। आप लोगों के लिए आप लोगों को समर्थन देना है, वरना हमारा समाज भी इसी तरह, ये दारू का बोतल की तरह ही हमारा समाज भी कहीं गिरा हुआ रहेगा। तो इसको मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे गंदगियों को हमें साफ़ करना है, और हम लोगों को, जो सफाई कर्मियों को जो हमारा डिमांड है, इसको पूरा कराना है।